आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मिट्टी बचाने के लिए टीकमगढ़ जिले का एक युवक इतनी तेज धूप गर्मी में साइकिल से 5000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। जी हाँ, वो युवक मिट्टी बचाने के लिए इतनी तपती धूप में अपनी साइकिल से खुद चलाकर 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। युवक का नाम सुरेंद्र यादव बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोयबंटूर काठमांडू से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा साइकिल से कर रहा हूं। साथ ही सुरेंद्र ने कहा कि जहां भी मैं विश्राम करता हूं, वहां पर लोगों को मिट्टी बचाने का मैं सुझाव जरूर देता हूं। युवक ने बताया कि हमारी मिट्टी में 3 से 6% जैविक तत्व होते हैं, लेकिन अब तक 1 से 30% से 3% तक बचे हुए हैं। आने वाले समय में मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, जिसको बचाने के लिए वह यात्रा कर रहा है। उन्होंने बताया कि सद्गुरु विदेश से भारत की यात्रा कर रहे हैं, उसने उनसे प्रेरणा लेकर यह यात्रा शुरू की है। सुरेंद्र यादव टीकमगढ़ जिले के वीरपुरा का रहने वाला है। वह अपनी यात्रा के दौरान खरगापुर पहुंचा, जहां पर सुरेंद्र ने बताया कि 47 दिन में 3000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा वह कर चुका है। इस यात्रा का समापन कश्मीर श्रीनगर लेह लद्दाख में होगी। सुरेंद्र यादव ने बताया कि रसायन से मिट्टी दूषित हो रही है, मिट्टी को बचाने और फिर से उपजाऊ और उपयोगी बनाने के लिए सरकार योजना लाए। इसी उद्देश्य के साथ सद्गुरु के मार्गदर्शन में मिट्टी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को मिट्टी के महत्व की जानकारी देकर मिट्टी को उपजाऊ और उपयोगी बनाने की बात भी सुरेंद्र ने कही है। इसके बाद सुरेंद्र आगे के सफर पर निकल गए। नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। आप यात्रा कर रहे हैं साइकिल के जरिए, इतनी तेज गर्मी है, कैसे आखिर संभव हो रहा है और कहां से कहां तक की यात्रा कर रहे हैं? ये यात्रा ईसा योगा सेंटर कोयम्बटूर से कश्मीर तक की जा रही है। इस यात्रा का टोटल डिस्टेंस महज 5000 किलोमीटर से ही ऊपर है। इस यात्रा का उद्देश्य है मिट्टी बचाओ, और आज का सदगुरु जो जग्गी वासुदेव है, उन्होंने लॉन्च किया है मिट्टी बचाओ आंदोलन। वो महज 30,000 किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से कर रही हैं, लंदन से लेके भारत तक के, और वो हर देश के गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर मुझे लगा, मैं उस समय उधर आश्रम में था और मुझे लगा कि क्यों ना मैं भारत की यात्रा करूं और हर शहर शहर जाके, गांव गांव जाके मिट्टी की बात करूं, क्योंकि आपको आज पता है कि मिट्टी में जो जैविक तत्वों की मात्रा होती है वो 3 से 6% होती है। वो जैविक तत्वों की मात्रा आज घटकर 3 से 1.5% रह गई है। आज वैज्ञानिकों ने शोध करके हमें प्रमाण भी दे दिया है कि आज से आने वाले 40 से 50 वर्षों में जो उपजाऊ ज़मीन है और ज़मीन में जो जैविक तत्वों की मात्रा है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, और मिट्टी ये सीधा बंजर है और बोले तो रेत हो जाएगी, ये उपजाऊ इसका पूरा चला जाएगा। तो कल के दिन आए खाने के लाले ना पड़े, हम खाने के लिए ना लड़ें। 3000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। आप कहाँ के निवासी हैं, किस गांव से आते हैं? अच्छा, हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के वीरपुरा गांव के निवासी हैं। कितने दिन हो गए आपको यात्रा करते हुए? 47 दिन हो गए हैं अभी तक के। कहाँ तक आपका जो अंतिम यात्रा होगी वो कहाँ तक? ये कश्मीर में श्रीनगर ले लद्दाख तक की अंतिम यात्रा है। खरगापुर से हरिशंकर जडिया की रिपोर्ट।